एंड्रोजेनिक एलोपेशिया सबसे कॉमन रीज़न है हेयर फॉल का, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। एंड्रोजन का मतलब होता है मेल हार्मोन, और फीमेल्स में भी थोड़े से ट्रेसेस रहते हैं मेल हार्मोन के। और कुछ हेयर हमारे सेंसिटिव होते हैं जिसमें कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं बाल की जड़ों में। रिसेप्टर क्या होता है, किसी भी हार्मोन को काम करने के लिए सेल के बाहरी सरफेस पे जाके अटैच होना होता है। जब वो अटैच होता है उस रिसेप्टर से तो सेल के अंदर फिर उसका फंक्शन हार्मोन का शुरू होता है। तो 5-अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो कि बाल की जड़ों में होता है, और ये क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरॉन को DHT में बदलता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में। और DHT एक्टिव फॉर्म होता है जो कि आगे का काम करता है टेस्टोस्टेरॉन का। तो अगर हमें टेस्टोस्टेरॉन का असर बालों में कम करना हो तो हम उस DHT रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देते हैं। तो कुछ दवाइयाँ ऐसे होती हैं जैसे फिनिस्ट्राइड है जो कि 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, उस रिसेप्टर पर जाकर के बाल की जड़ों पर अटैच हो जाता है, जिससे कि टेस्टोस्टेरॉन का जो बैड इफेक्ट है वो वहाँ जनरेट नहीं हो पाता और जो बाल गिर रहे होते हैं हार्मोन के असर से वो बच जाते हैं, हेयर फॉल रुक जाता है और वापस ग्रोथ भी होने लगती है। तो हम 5-अल्फा रिडक्टेज फिनिस्ट्राइड को टैबलेट के रूप में भी ले सकते हैं और लगाने वाली दवा के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम खाने वाली दवा के रूप में लेते हैं तो एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये बाल की जड़ों में जैसे टेस्टोस्टेरॉन रोक रहा है तो टेस्टोस्टेरॉन के जो नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शंस हैं उनको इंटरनल ऑर्गन्स में भी रोकेगा। तो लॉस ऑफ लिबिडो यानी कि सेक्स की इच्छा में कमी एक कारण हो सकता है, और दूसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, मेल सेक्सुअल फंक्शंस जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो इसका तरीका निकाला गया कि इसको टैबलेट फॉर्म में इतने लो डोज में बनाया जाए कि ये इंटरनल साइड इफेक्ट ना क्रिएट करे। तो ज़्यादातर लोगों में नहीं करता, पर फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ये साइड इफेक्ट करता है, कुछ कमी महसूस हो रही है। तो इसका अगला जो ऑप्शन था वो ये कि इसे खाया ना जाए बल्कि सिर्फ लगाया जाए ताकि ये सिर्फ स्किन में और बाल की जड़ों में असर करे। तो फिनिस्ट्राइड जो लोशंस होते हैं वो ब्लड में नहीं पहुँचते, तो वो जो आपके बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स में साइड इफेक्ट करना है वो नहीं करेंगे, सिर्फ बाल की जड़ों में टेस्टोस्टेरॉन के इफेक्ट को रोकेंगे। तो ये सिर्फ फिनिस्ट्राइड के रूप में नहीं होता, ये नेचर में भी बहुत सारे प्लांट्स और हर्ब्स होते हैं जिसमें होता है, जैसे साओ पामेटो एक पाम ट्री है ब्राज़ील का, या PGM जो एक अफ्रीकन चेरी ट्री है, या फिर पम्पकिन सीड ऑयल्स भी मिलते हैं। तो ये सारे में एक नेचुरल 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। ऐसा कहते हैं कि सोयाबीन में भी होता है 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। तो ये DHT को बनने से रोकता है, और DHT बनेगा नहीं तो आपके बाल झड़ने से रुकेंगे। इसके अलावा और भी मेडिसिन होती है, लेकिन साओ पामेटो एक खास हर्ब है जिसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका